नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुडोल कैप्सूल और क्रीम के बारे में कि इसके प्रयोग से क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करना है और कौन कौन महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं सुडोल कैप्सूल का और क्रीम का वर्क क्या होता है। कुछ महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो ब्रेस्ट का साइज होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं और बहुत सारे दवाओं का प्रयोग करती हैं लेकिन उससे उनको रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो उस केस में अगर सुडोल कैप्सूल का क्रीम का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कंपनी भी दावा करती है कि अगर आप सुडोल कैप्सूल का क्रीम का प्रयोग करती हैं तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप सुडोल कैप्सूल का और सुडोल क्रीम का प्रयोग करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका जो प्रयोग करना है कैप्सूल का, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को, और क्रीम आप एक समय भी प्रयोग कर सकती हैं या फिर दोनों समय भी प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन कंपनी जो बताती है वो ये बताती है कि आप एक समय क्रीम का प्रयोग करिए और दोनों समय आप कैप्सूल का प्रयोग करिए। खाना खाने के बाद में सुडोल कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को, खाना खाने के बाद में आपको सुडोल कैप्सूल लेना है और क्रीम का आप चाहें तो एक टाइम प्रयोग करें, दो टाइम प्रयोग करें, ये तो आपके कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस केस में आप दोनों टाइम क्रीम का भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है यानी साइज में, तो उस केस में आप एक टाइम क्रीम का प्रयोग करिए, दो टाइम आप कैप्सूल को खाइए। इसका प्रयोग आप एक दो महीने तीन महीने तक कर सकती हैं जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, और जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आपको लगने लगे कि हाँ आप साइज जो है नॉर्मल हो गया है, तो उस केस में आप इसका प्रयोग बंद कर सकते हैं। ये आपको सुडोल कैप्सूल और क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगा, और अगर मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल पाता है तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसको परचेज कर लीजिए, इसका प्रयोग करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी छूट गई हुई तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।